दोस्तों, यदि आप अपने घर की वायरिंग कराना चाहते हैं तो पहले जो वायरिंग के लिए जो चीजें हम लगाते थे, जैसे स्विच, सॉकेट, होल्डर, ये सारी चीजें जो हम पहले लगवाते थे, वो पुराने समय में कुछ अलग अलग तरह से होते थे, उनकी डिजाइन अच्छी नहीं होती थी। लेकिन इस समय, वर्तमान समय में क्या होता है कि जो हम वायरिंग के लिए हम जो इस समय चीजें लगवाते हैं, वो इस समय मॉड्यूलर आ गए हैं, काफी डिजाइनर और काफी फैंसी आ गए हैं। तो पुराने वाले जो चीज उपकरण होते थे वो काफी सस्ते होते थे और उसको लगवाने में भी हमारे लिए काफी चीप पड़ता था। लेकिन इस समय क्या है, जो मॉड्यूलर जो इक्विपमेंट आ गए हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो हम उसको लगवाएं कैसे? इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि कैसे आप उन सारी चीजों को लगवा सकते हैं। मैं इन जो वायरिंग में उपयोग होने वाले जो उपकरण होते हैं उन सभी की एक सीरीज में लेकर के आया हूँ। इन सारे प्रोडक्टों को आप स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखेंगे कि वो कितने सस्ते हैं और उनकी क्वालिटी भी कितनी बेहतरीन है। आज हम जानेंगे कि जो हमारा होल्डर होता है जिसमें हम बल्ब लगाते हैं, मेरे पास ये कोना कंपनी का यह होल्डर है, काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसका नंबर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, इसका नंबर है बैटन होल्डर 222, मतलब 3 बार 2 है और 5 2 2 2 5। यह है इसका जो एमआरपी है, देख लीजिए, 56 रुपए की एमआरपी दी गई है। मार्केट में आपको काफी सस्ता मिल जाएगा, काफी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है इसका। और 2 पीस मिलेंगे, एक में 112 रुपए एमआरपी दिया गया। और यहाँ पर देखिए, ये क्यूआर कोड भी दिया गया है, वहां से आप स्कैन करके इसी मतलब जो कंपनी का है कैसा है, डुप्लीकेट तो नहीं है, वो चीज आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये काफी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी है इसकी। यदि इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊं तो देखिए काफी प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और यदि आप देखें तो इसका जो अंदर के जो इसके कनेक्शन के लिए हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए हैं। और इनमें देखिए, मतलब ऐसा नहीं है हल्की क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, मजबूत है और हीट को भी काफी हद तक ये मतलब सह सकता है, इसके अंदर अच्छी क्वालिटी है। और देखिए काफी डिजाइनर है ये, पूरा पूरा प्लेन पूरा व्हाइट का है ये, हल्का सा देखिए ग्रे कलर में हल्का सा सेट दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए कू जो हीटिंग होगी उनको निकलने के लिए यहाँ पर देखिए कई जगह पर इस तरह से होल दिए गए हैं, देखिए इस तरह से होल दिए गए हैं। तो यह होल्डर काफी अच्छा है। और इसके अंदर ये जो देखिए, इसके अंदर जो ये जहाँ पर हम होल्डर में बल्ब को फिट करेंगे वो भी काफी अच्छा है, देखिए काफी मोटा है और काफी इसकी लाइफ काफी अच्छी है। यदि हम इसको खोल के मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से खुल जाएगा, हल्का सा आप एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, ये देखिए यदि आप देख पा रहे हो, देखिए काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी, देखिए काफी बेहतरीन क्वालिटी है, आप इसको ले सकते हैं, देखिए काफी बेहतरीन क्वालिटी है, इसको आप ले सकते हैं, मार्केट में ले लीजिएगा। और अगर होता है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, देखिए काफी बेहतरीन क्वालिटी है इसकी। यदि आप देख पा रहे हो, देखिए ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है, मतलब है फाइबर ही है लेकिन पीवीसी है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी है, देख लीजिए। तो आप इस होल्डर को ले सकते हैं, काफी बेहतरीन क्वालिटी है। तो इसी तरह से मैं कई सारे प्रोडक्टों को इसी तरह से मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है। कई सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि जो वायरिंग में जो उपकरण यूज होते हैं, जो जो चीजें अपने घर में लगवाते हैं, स्विच, सॉकेट, ये सारी चीजें मॉड्यूलर में ही अच्छी क्वालिटी में और सस्ते में हमें बताइए। तो ये काफी अच्छा है, ये मैं अपने घर के लिए लेके आया हूँ, आप इसके ले सकते हैं।